कह रहे थे कि ये पतियों की सीख और सारी इम्यूनिटी शादी के बाद खत्म हो जाती है, तो हम औरतों से पूछ लो हमारी कौन सी इम्यूनिटी बढ़ जाती है? हम भी तो वही निबट लेते हैं, इतनी ज्ञानी होती है हम, सारा ज्ञान वही निबट जाता है हमारा भी। कलकल जी की पत्नी भी क्लास लेती है, ये मत सोचो यही लेते हैं। एक माँ लेगी इनकी पत्नी के पास एक बिटिया को, बोली ये शादी नहीं कर रही, समझवा दो कुछ दिमाग लगे। इनकी पत्नी ने बिठाया, बोली बेटा शादी क्यों नहीं कर रही? बोली मुझे जीवन में बहुत काम करने हैं, बहुत सफलता चाहिए मुझे, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत एक्सपेरिमेंट है। तो इनकी पत्नी ने एक ही बात समझाई, अगले दिन शादी के लिए राजी हो गई। बताओ क्या? हाँ, इनकी पत्नी ने समझाया कि देख तू जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगी। बोले हाँ। बोले जीवन में बहुत सारी पढ़ाइयां करेगी, बहुत आगे जाएगी, बोले ऑफिस में जाएगी। बोले जब कभी कुछ गलत हो जाएगा, गलती किसके मत थे मरेगी? तो हंसना चाहिए, हंसना ही जरूरी है। और सच में ये बहुत अच्छा काम जो आप लोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत साधुवाद राजेश जी को कि वो मुझे ऐसी जगहों पर ले आते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सबके बीच आकर। रही बात टेंशन की, तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि टेंशन तो लेने की चीज ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं चाहिए, शादी होते अपने आप तो आ जाती है। लेने की क्या जरूरत है, हम खुद घर में ऐसे ही रहते हैं, टेंशन तो घर में हम तो ऑलरेडी कम जाते हैं। राजेश ये कलकल जी कह रहे हैं हम तो होते ही ज्यादातर बाहर ही, तो टेंशन क्या लेनी। अब कोरोना काल में आप देख लो सारे पतियों ने ही टेंशन ली, जाते टीवी चैनल लगा के बैठ जाते थे, ऐसे बिठाती थी पत्नियां खाना खिला के, और वो मुंह ऐसे टेंशन देख देख के देख देख के हैं, इतने मर गए अमेरिका में हैं, इतने मर गए हैं, करते करते ही उनका बस टेंशन हो जाती थी। ये हम पत्नियों की हिम्मत है, हम हलवाई बनी रही, हमने समोसे जलेबी गुलाब जामुन बना बना के कहा कि खाओ पियो मौज करो सब ठीक हो जाएगा। तो ये कलकल जी कुछ भी कह रहे हैं, हमारी हिम्मत है, हमने हौसला बढ़ाया, हम टेंशन में नहीं आते। ऐसे मेरे सरदार जी ने किया, वो टेंशन में आ गए न्यूज चैनल देख के। मैंने बेटे को बुलाया पति के सामने, कहा मैंने कहा आज के बाद घर में न्यूज चैनल नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले ऐसा मुंह बना के बैठ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। बोले फिर मैं कहा कुछ भी करो। तो उन्होंने बेटे को आवाज लगा दी, बोले काके एक काम कर। बोले क्या? बोले एक थोड़ी सी, ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी सी कोई पिक्चर दे दे, मैं पेन ड्राइव दे लेता हूँ। उन्हें बेटे ने लगा दी पान सिंह तोमर, और ये पान सिंह तोमर देखी, अगले दिन इरफान खान निकल गए। अगले दिन बेटे को कहा थोड़ी कोई पुरानी दे दे पिक्चर, वो देख लूं। बेटे ने दे दी प्रेम रोग, पति ने देखी, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन पति ने आवाज लगा दी, काके शादी की वीडियो दे दे पेन ड्राइव। सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर रहा है? वो मेरी ओर देख के बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊंगा। कोशिश करो कि हंसते मुस्कुराते रहो। और अभी चार पांच दिन पहले एक घटना हुई, तो मैंने चार पंक्तियां उस दिन लिखी थी, वो चार पंक्तियां आपको सौंपती हूँ। और एक ऐसी घटना हुई कि आंख देखते सामने, वो घटना नहीं बताते क्योंकि फिर से तनाव में आएंगे, घटना बतानी जरूरी नहीं। उस दिन मैंने एक चार पंक्ति कविता, तो लंबी है पर चार पंक्तियां देती हूँ कि जिंदगी पता ही नहीं कितने दिन और कितने रातों की, जिंदगी पता ही नहीं कितने दिन और कितने रातों की, तो फिर क्यों परवाह करनी है छोटी छोटी बातों की। माना माना फेसबुक और ट्विटर पर लाखों हो अपने, पर बात कुछ अलग ही होती है रूबरू मुलाकातों की। तो कविता लंबी है लेकिन फिर कभी, लेकिन मैं जो कह रही थी कि टेंशन में मत रहो, ये विनीत है, इसने एक सज्जन थे उनसे पूछ लिया, बोले ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल और हार्ट में फर्क क्या है डॉक्टर साहब।
पूछ लिया इसने, बोले दिल और हार्ट में फर्क क्या है? सज्जन अनुभवी थे सफेद बाल वाले, बोले बेटे मैं तुझे बताता हूँ, जो तो तेरा जवानी में धड़के बुढ़ापे में धड़ लिया तो मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन लेनी नहीं चाहिए। हम तो सरदार जिन खानदान से हूँ, सरदारों के खानदान से मस्ती में ही रहते हैं, टेंशन लेते ही नहीं। बहुत पुरानी घटना बता देती हूँ एक दो आपको, कि हमारे यहाँ पे मस्ती ऐसे होती है। मीनाक्षी जी, जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तब की घटना सुनो। अब मेरे पति उस समय मुझे फौरन अस्पताल में छोड़ा, और हॉस्पिटल छोड़ के उनको कोई काम था, वो अपने ऑफिस चले गए। ऑफिस गए तो जब बेटा पैदा हुआ तो नर्स ने उन्हें फोन कर दिया, सरदार जी मुबारक हो, आपके घर पुत्र पैदा हुआ। सुनते ही ऑफिस में सिर पकड़ लिया। साहब सबने पूछा क्या हुआ, बोले हैं टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि पत्नी को तो हॉस्पिटल छोड़ के आया था, पुत्र घर पे पैदा हो गया। ये कहते हैं उतनी बात सुनो जो अगले बंदे की गलती का है, उसने उतनी बात सुनी थी। पैदा हुआ। अच्छा दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि दूसरी बार भी वो मुझे हॉस्पिटल छोड़कर फिर ऑफिस चले गए, तो जब पुत्र पैदा हुआ तो मैंने नर्स को कहा कि इस बार ये मत कहना कि आपके घर पुत्र पैदा हुआ। बोली क्यों? मैंने कहा तुम ये अंदर की बात है, तुम छोड़ो, तुम उनको मत कहना कि आपके घर पैदा हुआ, कुछ और कह देना। अब नर्स ने फोन घुमाया, सरदार जी ने उठाया, बोली सरदार जी बधाई हो, आप पापा बन गए एक बेटे के। सरदार जी बोले थैंक यू, पर मेरा एक काम कर दे, मान जाऊंगा। बोले क्या? बोले मेरी बीवी को मत बताना, आके सरप्राइज देता हूँ। तो हमारा तो घर ऐसा है, तो मस्ती में तो बस हंसते मुस्कुराने मुस्कुराते ही रहना चाहिए। चार दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई, पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले तंगा गया हूँ ऐसे पत्नी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैं कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं, वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो आज दूसरों को हंसाता है। एक जो ये सप्ताह है ये 15 अगस्त 18 चार पंक्तियां देश के नाम सौंपकर, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनना है, और असली कविता तो मैं आप सब जो दान कर रहे हैं ये वो सुन चुकी हूँ। एक बार उन सभी दानियों के लिए तालियां बजाती हूँ। और जो 18 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आसानी से नहीं मिला था, तो वहां कहीं लिखती हूँ शहीदों के लिए कि यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं से भी जरूरी नहीं है हर परिवार में शहीद हो, तो यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है, पर मत भूलना उसको जो सरहद पर जाता है। तुम हंसो मैं हंसूं और हंसता मेरा देश रहे, इन खुशियों की खातिर वो लिपट तिरंगे आता है। इन जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं।